अस्सलामुअलैकुम, यह है दुनिया न्यूज और मैं हूं तारिक मतीन। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। महंगाई का तूफान या राहत का सामान, पीपल्स पार्टी हुकूमत अपना पांचवां बजट कुछ देर में पेश करेगी। तनख्वाहों में 11% तक इजाफा किया जाए, वजारत खजाना की वफाकी काबीना को तजवीज, कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, FBR हुक्काम की ब्रीफिंग। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स के बजाय डायरेक्ट टैक्स लगाने की तजवीज दे दी। बलूचिस्तान में बदमनी की जिम्मेदार FC है, चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने अमन अमान की सूरत हाल पर सेक्रेटरी दाखिला की सरजनिश कर दी। कोयटा में स्पिनी रोड पर फायरिंग से एक शख्स जान बहक, पुलिस ने दो मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। डेरा इस्माइल खान में दो चचाजाद बहनें बनी कर दी गई, लड़कियों का बाप बेटे से निकाह, 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में सिलेंडर्स की दुकान में आग लगने के बाद धमाका, 3 अफराद जख्मी। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला T20 शाम 6:30 बजे खेला जाएगा, हफीज 11 जीत के लिए पुरअज़्म।